दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे भारत देश में जय श्री राम का नारा लग रहा है, लेकिन अपने भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के नाम पे भी राजनीति कर रहा है। और सनातन धर्म के कुछ बाबा भी बोल रहा है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अभी हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि बाबा ने क्या कहा, बाबा का कहने का मतलब क्या है। शंकराचार्य बाबा ने कहा, हमारे यहाँ शास्त्र में जितने भी है उसे उठा के देख लीजिए, सब ऋषि और महर्षि ने केवल एक ही बात निरूपित किया है, जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है, और जो उनका शिखर है वो उनकी आंखें है, और जो कलश है वो उनका सिर है। तो अभी सिर बना ही नहीं है, केवल उसका धर बना है, और केवल धर में प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे ये तो विकलांग हो जाएगा। आप खुद शंकराचार्य बाबा के मुंह से सुन लीजिए। और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है, और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं, और इसी तरह से चरण से चलता है, धड़ बना है, और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना, जिसको हम लोग विकलांग कहते थे, और मोदी जी ने कह दिया है कि नहीं विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो। तो आज की तारीख में दिव्यांग मंदिर है, दिव्यांग मंदिर में भगवान को सकलांग को कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं, जिनके सकल अंग हैं, कोई अंग कम ही नहीं है, वो तो पूर्ण पुरुष है ना, तो दिव्यांग मंदिर में आप कैसे स्थापित कर दोगे। और दोस्तों, शंकराचार्य बाबा ने कहा कि इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, और इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्राण प्रतिष्ठिता नहीं करना चाहिए था उसमें प्राण प्रतिष्ठिता हुए, और इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य मंदिर में नहीं पधारे, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म के वहां पर घोर अपेक्षा की गई, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि एक जिम्मेदार वाली पद पे बैठे गए व्यक्ति द्वारा शंकराचार्य का अपमान कराया गया था। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होता है, सब कुछ इतिहास में दर्ज होता है। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई, इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए, ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। और दूसरी सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों कि आज पूरे देश में केवल जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो वही दूसरे जगह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल कहा जाता है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने नजदीकी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन मंदिर में उसे नहीं जाने दिया और पुलिस वाले ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। दोस्तों, फिलहाल अभी राहुल गांधी इस समय असम के नगाव जिले में स्थित बोरदोबा थाना में भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं, जहां उन्हें मंदिर में जाने के लिए रोका गया। सर, अभी उस तरफ आप नहीं जा सकते, हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है हमें, अभी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है, यू आर अलाउड सर, मत करो, आगे रखना, तो वहाँ व्हाट क्राइम है, मैं कमेंट नॉट कर रहा हूं, मुझे मैंने क्या गलत देखी कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं नहीं बताइए, नहीं नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज, मैंने क्या, मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, रजिस्टर्ड ऑर्डर है, नहीं आप मुझसे बात कीजिए, आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और दोस्तों इस पे कांग्रेस के नेता ने बहुत ही ज्यादा भड़क, It's a shameful nonsense. You can do puja. You don't follow the rule of law. Rule of law is there. You are not above the law. सरकार के गुलाम बनकर बैठेगा, हमारा खुद का एक तंत्र है, इस देश में गवर्नेंस नाम का कोई चीज है, डेमोक्रेसी है कि नहीं है, आप तो उन गोरों से भी गलत लोग निकले हो, कैन यू स्टॉप अस, कैन यू स्टॉप द मीडिया, दिस इज टू मच, ये ऐसे कोई मैं नहीं देखा है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, लोकतंत्र है, आप पार्टी के वर्कर हैं क्या, शासक और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए आप लोग, कार्यकर्ता भी होता तो ठीक है, पूरा गुलामी चल रहा है, छोड़ दीजिए नौकरी, चल रहा है,
रहा है, कमल का निशान पहन लीजिए, घटियापन कर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा घटियापन में उतर आया, ये क्या तरीका है? अगले जगह पे उसका भाई खुद आईपीएस। भगवान पर किसी का अधिकार नहीं है, भगवान सबका है। कुछ शर्म करो, भगवान को भी एक तरह से एक तरफ बना दिया, क्या है ये? बहुत बड़ी बेइज्जती है ये धर्म के खिलाफ है, ये अन्याय है, धर्म के खिलाफ है पूरी तरह से।